सर 150 में इंस्टॉल करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है, तो हमें इस पार्ट की जरूरत पड़ेगी। ओके, यहाँ से इसको कट करना है और इसको बीच में से दो करना है, चाहे तो आप पहले इधर से काट लें उसके बाद एक और टुकड़ा इधर से। तो वेरी वेरी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल थिंग टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को आपकी बाइक में पल्सर 150 में अगर आप पल्सर 180 का या 220 का स्विंग आर्म इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जो आने वाली प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करके इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं। बोले तो जब आप स्विंग आर्म इंस्टॉल करोगे तो आपको अपनी चेजिस और स्विंग आर्म के बीच में जो गैप मिलने वाला है उस गैप को फुलफिल कैसे करना है ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँ। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है, हमारे जो बाइक है पल्सर 150 उसकी चेचिस का जो मिडल पार्ट है जहाँ पे अपना स्विंग आर्म इंस्टॉल होता है वो थोड़ा सा पल्सर 180 और 220 के मुकाबले कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, चौड़ाई में कम है, इस वजह से ये जो गैप आता है वो इसी वजह से आता है। दूसरी चीज़ क्या है, पल्सर 150 का जो स्विंग आर्म है उसके दोनों साइड में वॉशर्स लगे होते हैं जिसे ऑयल सील हम लोग कहते हैं, उस तरह के वॉशर्स लगे होते हैं जो पल्सर 180 के स्विंग आर्म में नहीं होते। ओके, ना ही पल्सर 220 के स्विंग आर्म में होते हैं। तो मैंने जब अपनी बाइक में इंस्टॉल किया था तो इजिली हो गया था और पूरा का पूरा सेटअप आज भी वही है। ओके, लेकिन अगर आप लोग करते हैं तो आपकी बाइक में किसी में कम भी स्पेस हो सकता है जिसकी वजह से ये जो गैप आता है वो उसी वजह से आता है, तो उसी को फुलफिल करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई। ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों देख सकते हो ये जो स्विंग आर्म आप देख रहे हो ये पल्सर 150 का है। ओके, और ये फुटरेस्ट भी पल्सर 150 का है और ये फुटरेस्ट भी पल्सर 150 का है, लेकिन एक चीज़ दोस्तों, मेरे पास में अभी पल्सर 220 का स्विंग आर्म नहीं है, ये मेरा अनइंस्टॉल जो मेरी बाइक से उतरा हुआ जो स्विंग आर्म है ये वो है। ओके, तो मैंने बस जस्ट समझाने के लिए एक तरीका बताया है, जैसे सपोज दैट कि ये आपकी बाइक की चेसिस है और कुछ इस पोजीशन में अपना स्विंग आर्म का सेटअप होता है। ओके, तो जो प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों वो ये आ रही है कि ये जो गैप देख रहे हैं जब हम पल्सर 220 का स्विंग आर्म इंस्टॉल करते हैं तो ये प्रॉब्लम आ रही है, ये जो गैप आप देख रहे हैं ये गैप, तो इस गैप को फिल कैसे करेंगे इस वीडियो में आप लोगों को यही समझाने वाला हूं। ओके, आप इस चीज़ पर ना जाएं कि ये पल्सर 150 का है तो भाई इस तरीके से दिखा रहे, आप इस चीज़ को समझिए एक तरीके से, आप सपोज दैट कि ये पल्सर 220 का स्विंग आर्म है और ये पूरा पल्सर 220 या 180 का सेटअप है। ओके, तो इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो जब हम पल्सर 180 का स्विंग आर्म अपनी बाइक पल्सर 150 में इंस्टॉल करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर मुझसे बार बार इस प्रॉब्लम के बारे में जिक्र करते हैं, बार बार मुझे इस प्रॉब्लम के लिए कहते हैं कि हमारे सर हमारी चीज में इस तरह की प्रॉब्लम सामने आ रही है तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, इसको फिल कैसे करें, ये जो बीच में गैप आ रहा है ये गैप की वजह से इधर उधर होता है और सही से सेट नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिल करें। तो इसका सॉल्यूशन, ये जो हमारा स्विंग आर्म है पल्सर 150 का, दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो पल्सर 150 का स्विंग आर्म जो अनइंस्टॉल होगा जो हमारी बाइक से उतर जाएगा उसके यहां से हम एक पार्ट लेंगे। ओके, तो यहां से वो पार्ट लेंगे, यहां से एक बेयरिंग का छल्ला टाइप निकलेगा, उससे ही हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। चलिए मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। तो दोस्तों देख सकते हो ये पल्सर 150 का ही स्विंग आर्म है। ओके, एग्जांपल बतौर मैंने इसी को ले रखा है। ओके, तो जब हम अपनी बाइक पल्सर 150 से इस स्विंग आर्म को अनइंस्टॉल करेंगे, बोले तो निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, तो हमें इसमें से एक पार्ट मिलेगा। वो पार्ट कौन सा होगा वो दोस्तों ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये हेड साइड है और इस साइड में अपना टायर इंस्टॉल होता है। ओके, तो इस साइड से हमें ये बियरिंग, इसको बियरिंग बोलते हैं, स्विंग आर्म बियरिंग बोलते हैं, एक्चुअली ये 150 में तो ग्रीस वाला होता है लेकिन 180 वाले में बियरिंग टाइप का होता है। ओके, तो ये वाला पार्ट हमारे काम में आएगा। ओके, ये बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसको निकाल लो, ये देखिए है ना, ये निकल गया और ये वाला ये देखिए ये भी निकल गया, तो हमें इस पार्ट की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब ये हमारी हेल्प कैसे करेगा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों वापस मैंने इस सेटअप को फिर से वैसे ही लगा दिया है और ये रहा वो अपना इसके अंदर का बेयरिंग का पार्ट, ये देख सकते हो जो मैंने अभी अभी निकाल के आप लोगों को दिखाया था। ओके, तो इससे कैसे सॉल्व होगा ये बताता हूँ दोस्तों।
अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो स्विंग आर्म है ये पल्सर 150 का नहीं है, ये पल्सर 180 का है। ओके, पल्सर 180 मान लो, पल्सर 220 मान लो। ओके, और हम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं अपनी बाइक पल्सर 150 में, तो ये गैप आ रहा है ना, ये वाला गैप। तो इस गैप को हमें फिल कैसे करना है, इस गैप को देखो हम इससे फिल करेंगे। ये हम इस तरीके से यहां रखेंगे और जितना इसका डिस्टेंस है, जितना ही दूर इसका, बिल्कुल इस साइड कर लेंगे दोस्तों, उधर कोई गैप नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ऐसे साइड कर लिया इसको हमने और इस चीज को ऐसे नाप लिया, जितना इसका गैप है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ एक निशान टाइप भी आपको दिख रहा होगा, इतना ही इसका गैप है। ओके, अब हम यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद में हमारा काम खत्म, ये निशान हमने लगा लिया। ओके, अब चलते हैं दूसरी साइड। तो दोस्तों इस पर हमने ये निशान लगा लिया। ओके, इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया इस पे, देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल सीधा निशान लगा के चलना है हमें दोस्तों। ट्राई यही करना है कि हम बिल्कुल सीधा निशान लगाएं। ओके, ये देखिए इस तरीके से हमने बिल्कुल सीधा निशान लगा लिया इस पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें जरूरत पड़ेगी इंची टेप की। याद रखना दोस्तों, ये हमने बिल्कुल प्रॉपर पूरा जितना भी गैप था उतना ही ये निशान हमने लिया है इसमें। ओके, जितना हमारी स्विंगार में गैप आ रहा था, चाहे वो इतना आए या इतना आए, वो डिपेंड करता है आपकी बाइक की चेचिस के ऊपर कि आपकी बाइक की चेचिस में कितना डिस्टेंस आ रहा है। ओके, अब इंची टेप की हेल्प से मान लीजिए ये मैं यहाँ से लेकर के यहाँ से नापता हूँ इसको, और इसको हम गिन लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। ओके, ये मैंने इस पॉइंट से रखा हुआ है, यहाँ से ये है। तो दोस्तों इसको हमें नाप लेना है, ये एक्चुअली मेरा ये इंची टेप थोड़ा सा खराब हो रखा है, इससे नाप लेना है। ये देखिए ये कितना है, ये यहाँ से मैं नापता हूँ इस पॉइंट से दोस्तों, ये इसको जीरो मान के चलते हैं। ओके, और मैं इसको ये नाप लेता हूँ, ये देखिए ये यहाँ इसको जीरो मान लेता हूँ, और ये देखिए लगभग दोस्तों 0.5 इंची 0.75 से एक सूत हमें ज़्यादा लेके चलना है। जितने पे हमने निशान लगाया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, वो इसलिए क्योंकि जब हम इसको कट करेंगे तो थोड़ा सा हमारा जो मटेरियल है, ये देखो दोस्तों, ये देख रहे हो आप, ये 0.75 से थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलना है हमको, है ना। 0. यहाँ से हम इसको मान लेते हैं 0, और ये 1 इंच हो गया, 1 इंच से ये इतना कम है, 0.25 है ना। तो ये जो गैप हो गया 0.25 का हो गया, तो इससे थोड़ा सा हमें ज़्यादा लेना है, वो इसलिए कि जब हम ग्राइंडर मशीन इस पर लगाएंगे तो थोड़ी सी घिसाई भी इसकी हो जाती है दोस्तों, इतना हम मान के चलते हैं। ओके, अब इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है उसके मिडल का, बीच का, यानी 0.25 और 0.25 यानी 0.75 हो गया, तो हमें यहाँ एक निशान और लगाना पड़ेगा। ये देखिए, क्योंकि जब हम बाइक में अपना पल्सर 220 का स्विंग आर्म इंस्टॉल करेंगे तो डिस्टेंस दोनों साइड बराबर होना चाहिए ना, इसलिए जितना गैप हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए उतना ही गैप हमें राइट हैंड साइड में भी चाहिए, तो इतना हम इस पर निशान लगा लेंगे। बस ये हो गया हमारा फाइनल। अब हम जो कट करेंगे दोस्तों ड्रिल मशीन से या ग्राइंडर मशीन से किसी से भी, वो यहाँ पे करेंगे, बिल्कुल हमें सीधा लेके चलना होगा दोस्तों। और यही प्रोसेस आपका, जब आप अपनी बाइक में, ज़रूरी नहीं है पल्सर 220 का ही स्विंग आर्म लगाएं, आप अपनी बाइक में KTM ड्यूक का भी अगर इंस्टॉल करेंगे तो सेम यही प्रोसेस रहेगा। हो सकता है गैप थोड़ा बढ़ जाए तो ये थोड़ा बड़ा आपको काटना पड़ेगा, तो वो डिपेंड करता है कि कितना गैप आपकी बाइक में आता है। ओके, अगर दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो वही ग्राइंडर मशीन से ही आप इसकी घिसाई भी कर सकते हैं, घिसाई भी हो जाती है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ग्राइंडर मशीन लेना है, यहाँ से इसको कट करना है और इसको बीच में से दो करना है। चाहे तो आप पहले इधर से काट लें, उसके बाद एक और टुकड़ा इधर से निकाल लें, और दोनों का डिफरेंस इक्वल रख के चलें। ओके, देन उसके बाद दोस्तों मैं इसको कट नहीं कर सकता, नहीं तो मेरा ये स्विंग आर्म का ये खराब हो जाएगा। मैंने आपको दिखा दिया है, इतना कटा हुआ हिस्सा हम इस साइड में लगा देंगे, इस साइड में, और इतना ही कटा हुआ हम दोस्तों, हाँ, उसके बाद ये निशान लगा लेने के बाद में दोस्तों, ये देख सकते हैं, अब हम इसको डिस्टेंस में रखेंगे, और जब हम अपनी बाइक में पल्सर 220 का स्विंग आर्म इंस्टॉल करेंगे तो इतना कटा हुआ हिस्सा हम पहले इधर लगा लेंगे। ओके, और फिर बाकी का ये जो दूसरा टुकड़ा होगा वो हम इस साइड लगा देंगे, ऐसे करके इसके अंदर।
तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और इसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। बस एक चीज़ कि आपका जो पुराना स्विंग आर्म होगा उसके अंदर का ये पार्ट, ये बेयरिंग पार्ट होता है। एक्चुअली पल्सर 150 में तो ये ग्रीस वाला होता है, देख सकते हैं आप, इसमें ग्रीस नोजल दिया हुआ है, ये भी ग्रीस नोजल है और वो भी ग्रीस नोजल है, केसिंग इसमें होती है। और पल्सर 220 में बेयरिंग वाला होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस टाइप का पल्सर 220 का होता है। पल्सर 220 का इसे थोड़ा सा हैवी है, चाहता तो मैं इससे भी समझा देता लेकिन फिर इससे दिक्कत हो जाती है आपको समझने में, और ये थोड़ा मोटा भी है। ओके, ये थोड़ा पतला है, तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ये इसके अंदर नहीं जाएगा, आपकी चीज इसके अंदर नहीं रहेगा, ये बिल्कुल अपनी जगह पर ही रहेगा, यहाँ पर ही और यहाँ पर। इससे आपका जो स्विंग आर्म इधर उधर हिलना भी खत्म, और दूसरी चीज़ आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों मैंने समझाने की कोशिश की है, एक्चुअली मेरे पास कोई दूसरी बाइक है नहीं, और इन फ्यूचर में कभी मेरे पास दूसरी बाइक आई पल्सर 150 से 180 में कन्वर्ट होने को, तो मैं आपको यहाँ का भी ये चीज़, ये प्रोसेस कंप्लीट करके दिखाऊंगा। ओके, उसके लिए मेरे को उसी के ही स्विंग आर्म की ज़रूरत पड़ेगी, जो उसकी बाइक से उतरेगा उसी स्विंग आर्म की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस टाइम पर मैं आप लोगों को यहाँ की ये जो प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आई होप कि दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों इसी तरह की वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, और अगर आप लोगों को कुछ और पूछना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको श्योर उसका रिप्लाई दूंगा। ओके, तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर, कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम।